सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं रिलायंस जियो के नए फोन के बारे में, बताऊंगा इसका प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या प्लान्स रिलायंस जियो इसके साथ लेकर आया है। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के एंड तक और जानिए इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों रिलायंस जियो के एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने इस फ़ोन के बारे में, लॉन्च के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं। इंडिया का स्मार्टफोन कहा जा रहा है रिलायंस जियो की तरफ से इस फ़ोन को, और बताया जा रहा है काफ़ी सारे ऑफर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों रिलायंस का कहना है कि ये इफ़ेक्टिवली ज़ीरो प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। सो ये इफ़ेक्टिवली जनरली ये वो चीज़ है, जैसे हर एड में नीचे कंडीशंस अप्लाइड लिखा होता है, वैसा ही ये कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रिलायंस जियो का कहना है फ़ोन आप फ्री में ले लीजिए, बस 1500 रुपये का डिपॉजिट हमारे पास रखाइए, जो एक रिफंडेबल डिपॉजिट होगा, आपको 3 साल बाद मिलेगा जब आप फ़ोन वापस करेंगे। सो सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 3 साल के लिए इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक फ़ीचर फ़ोन है। सो फीचर फ़ोन मतलब जो बेसिक वेरिएंट्स होते हैं, जहां पर आपको बेसिक इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है, बेसिक कॉलिंग, एसएमएस, ये सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं। सो इसके लिए उन्होंने इसको एज अ फीचर फ़ोन टर्म किया है और यहां पर इफ़ेक्टिवली ज़ीरो प्राइस पर लॉन्च किया है। और अगर आप इस फ़ोन को लेते हैं तो यहां पर आपको कुछ प्लान्स साथ में इसके मिलते हैं, जहां पर 153 रुपये के रिचार्ज पर जियो प्राइम मेम्बर्स को यहां पर 500 MB का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पर डे। एंड उसके बाद जो है स्पीड जो लिमिट हो जाती है वो है 128 KBPS, एंड उस स्पीड पे अनलिमिटेड डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो टेक्निकली 28 दिन में आपको यहाँ पर 14 GB का डेटा देखने को मिलता है। एंड अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात करूँ इस फ़ोन की, तो ज़्यादा कुछ इस फ़ोन में नहीं है। 2.4 इंच का एक क्वाड VGA डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर 512 MB की रैम है, 4 GB की इंटरनल मेमोरी है, SD कार्ड का सपोर्ट भी है, NFC, वोल्टी, Wi-Fi कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इस फ़ोन में। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जियो फ़ोन के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ब्राउज़र है इस फ़ोन में और यहाँ पर कुछ ऐप्स आपको देखने को मिलती हैं इस फ़ोन में। सो एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है एंड सब कुछ यहाँ पर आपको एक फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है। व्हाट्सएप चलेगा या नहीं चलेगा इसके बारे में अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, शायद हो सकता है इस फ़ोन में व्हाट्सएप ना चले। सो ये सारे फीचर्स के साथ जियो फ़ोन आएगा, 1 साल की वारंटी होगी एंड 15 अगस्त से इस फ़ोन की बीटा टेस्टिंग शुरू होगी, 23 अगस्त से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी एंड टेक्निकली आप इसको सितंबर 1st week में ले पाएंगे। एंड यहाँ पर रिलायंस का कहना है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलेगा। सो अगर आपको इंटरेस्टेड है इस फ़ोन में लेने के लिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने आसपास के रिलायंस स्टोर्स में, इस फ़ोन को आप जाकर वहाँ पे प्री बुक भी कराइए और जाकर पहले वहाँ से आप इसको ले भी सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों रिलायंस के जियो फ़ोन के बारे में, उसका प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी, एंड बताएगा दोस्तों आप क्या इंटरेस्टेड है इस फ़ोन को लेने के लिए, आप लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि मुझे वो टाइम याद है जब रिलायंस मोबाइल सबसे पहले आया था, याद है 500 रुपये में आज से काफ़ी साल पहले लॉन्च हुआ था और बहुत ज़्यादा बिका था। सो वैसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर रिलायंस जियो की, कि वैसा ही जो उनको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।